सो आज का वाला वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो पिछले दिन कॉस्मो कप का वीडियो बना था उसका IPN पोर्ट वो दोनों सही है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसी से ही करना कनेक्ट हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो बंद है सर्वर क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लिचेस एंड बग्स है जो कि मैंने मे बी वीडियो में भी दिखाया था। सो वो लोग वो जल्दी से फिक्स कर देंगे, एक और दो दिन के अंदर ही वो फिक्स हो जाएगा। सो उसके बाद आप लोग ज्वाइन करके सभी के साथ खेल सकते हो एंड मेरे साथ भी खेल सकते हो। सो या यही बोलना था। तो अभी हम स्टोन ब्लॉक खेल रहे हैं, तो यही कंटिन्यू करते हैं। एंड पिछले दिन के बाद मैंने थोड़ा बहुत ग्राइंड किया था, मतलब कबल स्टोन, बेसिकली कबल स्टोन ही चाहिए, सो मतलब हाँ स्टोन कबल स्टोन जो भी हो, तो वो मैंने ग्राइंड किया था। और यहाँ पर एक अंडा है जिसको फोड़ने पे कुछ नहीं मिलता, मैं अभी जस्ट बोलने वाला था मिलता, ओ भाई ये मिल भी गया, लोल सही बात है। एक और हमारे पास चिकन आ चुका है, तू अंदर ही रुक भाई। हाँ डेजी द काऊ है, डेजी तो काऊ है ओके। और मैं अभी थोड़ा सा खाना खा लूँ, और अभी तक फूड का सोर्सेस हमारे पास आ चुका है तो अभी खाने का कोई दिक्कत है नहीं। और फिलहाल के लिए एक कांड हो चुका है, मेरा जो क्वेस्ट वाला बुक था, मतलब कष्ट जो भी है, सो वो वाला बुक मेरे को पता नहीं कहीं पे गुम हो चुका है, और ना ही मैं अभी मिशन कर पाऊँगा, मतलब कंप्लीट कर पाऊँगा, ना ही कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट कर पाऊँगा। सो अभी मेरे को फ़िलहाल वो चेस्ट, मतलब क्वेस्ट वाला बुक चाहिए, और उसके लिए हमें डर्ट चाहिए। हाँ मतलब वो बुक हम रिडीम कर सकते हैं फिर से अगर गुम हो जाए, ये मेरे को बाद में पता चला। सो हमें सिर्फ एक ही डट चाहिए, और एक डट से अगर देखोगे, ये देखो ये क्वेस्ट वाला बुक्स मेरे को मिल रहा है। सो ये लाइब्रेरी बुक है ओके, लॉल मैं क्वेस्ट बुक बोल रहा था ठीक है। सो ये आ गया लाइब्रेरी बुक, और अभी हम अपना क्वेस्ट देख सकते हैं कि पिछले बार मैं भूल ही गया हूँ, और मैं एक बार ऊपर जा कर देखूँगा कि ऊपर है क्या, मैंने पहले बार देखा नहीं था। यहाँ पर एक ये है, ओ भाई साहब सही बात है सही बात है, बट हमें अभी तो नहीं चाहिए। सो अभी हम निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बाद में वो काम आ जाएगा, मेरे पास होगा तो मे भी गुम हो जाए। तो अभी हम क्वेस्ट चेक कर लेते क्या था, और आज का वाला क्वेस्ट है हमें बनाना पड़ेगा एक फार्मिंग एंडिंग, ओके हमें एक वाटर कैन बनाना पड़ेगा जो कि पिछले दिन हमने देखा था बट बनाया नहीं। सो अभी जाके हम वाटर कैन बनाना पड़ेगा, बट सबसे पहले मैं एक बार देख लूँ वाटर कैन बनता कैसे। तो वाटर कैन के लिए हमें वाटर चाहिए, बोन मिल चाहिए एंड ग्लास चाहिए। सो वाटर बकेट हमें एक मिल चुका है, अभी हम बोन मिल निकाल लेते हैं, जो कि बोन मिल है नहीं, सो बोन से निकालना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए। एंड आयरन चाहिए, सॉरी ग्लास बोला था, मेरे को आयरन चाहिए, और आयरन में भी मेरे पास है क्योंकि मैंने ग्राइंड करके रखा है सब कुछ, और हाँ वैसे चार ही है तो मैंने थोड़ा बहुत ग्राइंड किया था। एंड अभी देख लेते हैं वाटर कैन, ये आ चुका है हमारे पास वाटर कैन, और ये मिशन हमारा हो चुका है कंप्लीट, मतलब क्वेस्ट हो चुका है कंप्लीट। तो नेक्स्ट है हमें बनाना पड़ेगा कबल स्टोन जनरेटर। सो यहाँ पे कबल स्टोन जनरेटर का ज़रूरत क्या है वैसे, मतलब मैं तो ऐसे माइनिंग करके निकाल लूँगा कबल स्टोन, वैसे बहुत टाइम लगता है। ओके तो वाटर कैन का यूज़ एक बार देख लेते हैं, यूज़ टू स्पीड टू क्रॉप ग्रो स्नैक, ओके मतलब अगर यहाँ पे हम स्नैक करें उसको हाथ में पकड़ के, सो क्रॉप्स जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा, मतलब ये सही बात है। तो हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर होगा ना तो हमें इजी होगा खाने वाने के लिए। और मैंने इसको थोड़ा बहुत एरिया बड़ा भी कर रहा हूँ, एंड इस एरिया को चेंज करना पड़ेगा। सो फिलहाल मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, ओ भाई साहब नाइस, अगर हम इसको क्राउच करके पकड़ के ऐसे अगर हिलते हैं इसके ऊपर से तो ये ग्रो होता है भाई। इसके लिए तो हमें बोन मिल भी नहीं चाहिए, ये बहुत सही है, इसको माइनक्राफ्ट में घुसा देना चाहिए भाई, बोन मिल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा लिटरली, मतलब पड़ेगा बट इन चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देख रहे हो कितना स्पीड से ग्रो हो रहा है, अगर मैं इसके ऊपर से तीन चार बार ऐसे जाऊँ ना पूरा क्रॉप ग्रो हो जाएगा। ओके सो अभी हमें बनाना पड़ेगा कबल स्टोन जनरेटर, उसके लिए हमें चाहिए चिजल स्टोन ब्रिक, लावा बकेट, वाटर बकेट एंड ग्लास। तो चिजल स्टोन ब्रिक तो हमारे पास है नहीं, तो हमें वही फ़िलहाल बनाना पड़ेगा। एंड हमें चाहिए क्या चाहिए था, ग्लास, तो पहले तो मैं ये रखा दूँ और ग्लास बन जाएगा। अभी लावा ले लेते हैं और वाटर बकेट ले लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास आयरन है ही नहीं। सो फिलहाल के लिए हम आयरन भी बनाना पड़ेगा, एंड मैं किस में बनाऊँ, सो मैंने थोड़ा सा ये भी बना लिया फर्नेस, क्योंकि हमारे को फर्नेस भी चाहिए। सो अभी मैं इसके अंदर ये लग देता हूँ आयरन एंड कोल्स मेरे पास ओके है। और मैं सोच रहा हूँ कहता है गाइस मेरे को और भी ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना चाहिए था,
मतलब इतने कम ग्राइंडिंग में कुछ होगा नहीं फिलहाल के लिए। मेरे को लग रहा है, ऐसे गट्स फीलिंग आ रहा है कि फिर से मेरे को माइनिंग करना पड़ेगा, मतलब मे बी सो। ओके तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर भी हम घुसा देते हैं कबल स्टोन्स और इधर भी घुसा दो, थोड़ा बहुत मैंने माइनिंग किया मैं जैसे बोल रहा था। तो अभी आयरन हमें मिल चुका है एंड हम बना लेते हैं बकेट। दो बकेट चाहिए हमें, एक वाटर बकेट और एक लावा बकेट। सो फिलहाल के लिए हम वाटर ले लेते हैं एंड लावा भी हमारे पास है, और लावा किधर है वैसे, ये इधर है। ओके सो ये भी उठा लो एंड अभी हमें चाहिए ग्लास, और ग्लास के साथ और क्या चाहिए था, मे भी और कुछ नहीं चाहिए, हाँ स्टीजल स्टोन ब्रिक चाहिए। स्टीजल स्टोन ब्रिक के लिए हमें स्टोन चाहिए, इसको ब्रिक्स बनाना पड़ेगा वैसे तो स्टोन ब्रिक्स। सो किधर है स्टोन ब्रिक, ये रहा। ओके सो इधर से हम बना लेते हैं, इसको अभी स्लैब बनाना पड़ेगा एंड ये आ चुका अपना चिजल स्टोन ब्रिक एंड अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल लेते हैं। अबे आ जा किधर है ग्लास, आ जा। ओके सो मे बी अभी बन जाए एंड एक मिनट, ये क्या चीज़ है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। ग्लास स्पिक स्पाइक, अच्छा ग्लास स्पाइक, ये पता नहीं क्या होगा बट ये बाद में देखेंगे। बट अभी कबल स्टोन जनरेटर मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसका रेसिपी मेरे को मिल नहीं रहा। ओके मिल गया। सो हमें और भी तीन चाहिए चिजल स्टोन ब्रिक। ओके सो तीन बना लेते हैं, हमें क्या हमारे पास बहुत सारे है। ओके ये बना लिया, आई लॉल यहाँ पर आ चुका है अपना कबल स्टोन जनरेटर। सो ये अभी हम साइड में ही रख देते हैं यहाँ पर, और ये जगह पूरा फील हो रहा है भाई। इसका बुक भी मिला और मे भी मेरे को नेक्स्ट एपिसोड में ना ये घर मेरा घर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये जगह पूरा फिल हो रहा है। और क्या एनिमेशन है भाई, देख रहे हो अंदर, और इस ओ भाई इसके अंदर खुलता भी है होपर के जैसा, मतलब सही दिख रहा है। एनिमेशन भी बहुत ही ओपी है इन लोगों का किया है। सो अभी यूज टू ऑटोमेटिक एंड मेक होल स्टोन। सो हमें ड्रिल बनाना था, और ड्रिल के लिए हमें चाहिए ये बोर्ड चाहिए, सर्किट बोर्ड चाहिए रे। अभी सर्किट बोर्ड ऐसे बनेगा, इसके लिए हमें इतने सारे सर्किट बोर्ड्स है, बट इसके लिए हमें मेन सर्किट बोर्ड पहले बनाना पड़ेगा। और मेन सर्किट बोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए ये ग्रीन डाई, मतलब ग्रीन डाई एंड गोल्ड। भाई अभी ग्रीन डाई और गोल्ड कहाँ से लेके आऊँ, और ऊपर से रेड स्टोन भी पता नहीं। ओके सो अभी हमें पता चला, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, अगर हम सैंड को इसके अंदर डालें तो इसे देखो, मतलब जो भी सामान है इससे निकलेगा, जैसे ओसन का सामान एंड सैंड में जो भी मिलता है सैंड बायोम में वो सब निकलता है। मतलब भाई दिमाग बहुत ही ख़राब होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना, और ये दिमाग सच में ख़राब करने वाला है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम निकाल लेते हैं एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा। अभी फिर से हमें सैंड चाहिए, यार कितना टाइम लगेगा। सो मैं इधर को थोड़ा बहुत सैंड लगाने वाला हूँ ये कैक्टस को ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि अभी कोई जगह है नहीं। और मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ये नहीं करूँ, प्रोग्रेस नहीं करूँगा उस पर, मैं अपना पूरा ये जगह डेकोरेट करूँगा ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से खेल पाए। सो या नेक्स्ट एपिसोड भी देखना एकदम ज़रूर से, जो कि बहुत ही नेक्स्ट वीक या दो तीन वीक के बाद आएगा। ओके लवल अभी हम बना लेते हैं ये, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉपर ओर। ओके सो हमें कॉपर भी बनाना पड़ेगा, हमने देखा था दो कॉपर भी चाहिए, तो कॉपर के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मेरे को पता चला, हमें गोल्ड मिलेगा माइनिंग के खाके। मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ये बनाना पड़ेगा मेरे को फ़िलहाल के लिए। और अभी हमारे पास तीन बकेट चाहिए, जिसके लिए बकेट है ही नहीं, आयरन्स है ही नहीं भाई, दो ही बकेट बनेगा, मेरे को फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा। सच में भाई दिमाग का सही वाला एकदम ख़तरनाक चीज़ हो रहा है। सो अभी फिर से ग्राइंड करो, और ग्राइंड करके मैं मिलता हूँ। ओके सो आयरन मिल चुका है, ग्राइंडिंग कम्प्लीट एंड अभी फ़िलहाल तीन बकेट बन जाएंगे। और अभी तीन हमें तीन मिल्क बकेट चाहिए, तीन आई थिंक सो शुगर के नहीं हे चाहिए, हे नहीं वीट चाहिए एंड दो शुगर चाहिए। सो डेजी हमें आपका मिल्क दे दीजिए, ठीक है। एंड अभी यहाँ से निकल लेते हैं। भाई इतना कंफ्यूजिंग क्यों है ये गेम, मतलब एक छोटा सा चीज़ मारने के लिए कितना ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ता है। और अभी ये लेते हैं शुगर चाहिए, इससे हमें दो शुगर एंड ये वीट भी ले लेते हैं, तीन वीट चाहिए।
किधर गया शुगर, ये रहा शुगर। तो ये निकाल लेते एक बार, और ये आ गया हमारे पास माइनिंग केक। अभी पता नहीं इसको खाने पे ही गोल्ड मिलेगा या इसको मतलब क्या करना पड़ेगा, आई डोंट नो। अभी प्रोटेक्शन पूरा लेके रखूँगा, क्योंकि मैंने रिसर्च किया था इस कोई अलग जगह पे टेलीपोर्ट करता ही है। अभी फ़िलहाल के लिए हम पूरा तैयारी करके फिर मिलेंगे। हमें मतलब अपना जो भी है सब कुछ निकालना पड़ेगा गोल्ड के लिए, आयरन पिकैक्स। ओके अभी हम चलते हैं और इसको हमें खाना पड़ेगा। तो अभी आ चुका माइनिंग जोन पे, और एकदम गुड लक कि मैंने अपना ये लेके आया था टॉर्चेस। और मैं यहाँ पर टॉर्चेस पे, एक मिनट ये क्या चीज़ है, टॉर्चेस स्पैम कर दूँ पहले तो, और रिटर्न। अच्छा यहाँ से आई थिंक हम घर जा सकते हैं। और इधर ओ डायमंड भी है इधर, भाई निकाल लो, मतलब निकाल लो निकाल लो। डायमंड का हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि एक चीज़ हमें आपको दिखाना है, उस चीज़ को करने पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा ग्राइंडिंग में, बहुत जल्द जल्द ग्राइंडिंग अब से हो जाएगा। मैं जितना भी डायमंड्स है वो सब निकाल लेता हूँ एक टाइम के लिए। और मे भी हमें दो गोल्ड चाहिए था और एक रेस्टोन चाहिए, और एक गोल्ड उधर ही पड़ा हुआ है लॉल। गोल्ड हमने निकाला ही नहीं। ये भी हम निकाल लेंगे एक टाइम के लिए। एंड अभी यहाँ से निकल लो, और इधर भी टॉर्चेस लगा दूँ, पता नहीं कहाँ कौन से आ जाए। और वो देखो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, हमें उधर जाना पड़ेगा। और इसके लिए जगह भाई इतना अंधेरा है ना, और मेरे को डर लग रहा है भाई इधर सा। और मतलब मोड बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और इधर भी हम एक लगा देते हैं रेस्टोरेंट बोल रहा था अभी टॉर्चेस। एंड अभी निकाल लेता हूँ यहाँ से। ओ क्रीपर लॉल, अबे बेबी ज़ॉम्बी, आज ही सभी को आना है क्या, आज ही सभी को आना है भाई। निकाल लो, ये आ रहा है ऊपर, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना सच में, हाँ ऊपर आ रहा है भाई। इसमें यहाँ पर टॉर्च लगा और निकाल लो यहाँ से। बट मैं जाऊँगा नहीं घर में, क्योंकि पता नहीं फिर से आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ऊपर चला जाऊँ ज़ॉम्बी बेबी को ऐसे ही मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतना स्लोली स्लोली क्यों आ रहा है भाई, एकदम मतलब स्लोली स्लोली। तू मर जा पहले, तो इसको ही मारता हूँ। ओके हमारा गेम लैग कर रहा है, चलो ये भी मर चुका फाइनली। और हमें पता भी चल गया हमें हमारा गेम लैग कर रहा है, इसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। यस लैग करने का भी फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज़ॉम्बी लोग या जो भी है क्रीपर वीपर वो बहुत ही स्लो हो जाता है। और इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा के सबको टपका डालते हैं अभी के अभी। एंड तू भी टपका डाल, आई डोंट नो क्यों, बट तू भी टपक चाहिए। देखो देख लो भाई, गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, आई डोंट नो क्यों, मतलब हाँ नेट तो सही चल रहा है बट। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मरना नहीं चाहता मैं इधर, बच गया, आजा आजा, नहीं फूटना मत फूटना मत। ओके तब एक मिनट, इसने कुछ दिया ग्रीन कलर का। ओके अबे सब सबको आज ही आना है क्या, दावत लगी है क्या तुम लोगों का लिटरली, अबे मर जा भाई। ओके मर गया। अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर मैंने रेस्टोरेंट दिखा था और इधर क्या था आई डोंट नो ज़ॉम्बी इसका। और फिलहाल के लिए यहाँ पर एमरल्ड भी है, हमें तो वो चाहिए नहीं, हम नहीं लेंगे, इसीलिए अभी हम रेस्टोरेंट ले लेते हैं। एंड यहाँ से निकल लो जल्द से जल्द, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ पे आ जाए। ये देखो यहाँ पर ज़ॉम्बी इसके क्या बोल रहे हैं इसे, स्पाइडर वाइडर सब कुछ स्पॉन हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं क्या बोल रहा हूँ आई डोंट नो सीरियसली। तो अभी हम यहाँ से निकल लेते हैं। एंड अभी घर में जाके बनाना पड़ेगा हमें ड्रिल। ओए अबे अबे फंस गया मैं, अरे वो पेड़ पे फंस गया मैं, कौन से वाले पेड़ पे, इधर किधर। ओके ओके तो हम अपने मतलब पॉइंट पे सेट हुए, जिस पॉइंट पे हम स्पॉन होंगे उसी पॉइंट पे हमने पेड़ लगाया। वाह वाह बेटा वाह, इसको पहले तो मैं तोड़ूंगा और किसी और जगह पे शिफ्ट करूंगा इस पेड़ को, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए अपना जो भी गोल्ड फोल्ड है उसको यहाँ पे दे देते हैं। एंड डायमंड हमने क्यों लेके आया वो भी दिखाऊंगा, डायमंड का हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अगर डायमंड करूंगा। और ये है क्रीपर, रॉ कीपर, कीपर का मीट मिलता है इधर, सीरियसली क्रीपर को पका के खाएंगे हम, ये सही बात है। और यहाँ से हम डायमंड निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें डायमंड से एक चीज़ बनाना है। वैसे हम बना के रखा है ऑलरेडी, तो उसको सिर्फ अपग्रेड करना है हमें डायमंड से, तभी उसका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और ये हो जाएगा जल्दी से जल्दी, तो हम देख लेते हैं। एंड ये आ चुका गोल्ड, हम गोल्ड को निकाल लेते हैं। एंड एक और गोल्ड चाहिए हमें, और यहाँ से ये तो ग्रो होने वाला है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल इसको यहाँ से निकाल के हम ग्रीन टाइप बना लेते हैं। और ग्राइंड करने पे हमें सैंड से ग्राइंड करेगा तो मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और फिलहाल हमें डायमंड भी मिल चुका है, हम डायमंड निकाल लेते हैं।
एंड हमें ये चाहिए इसको, आई डोंट नो बट इसको डिस्ट्रॉय करके इसका जो वो सफ़ेद वाला चीज़ है वो वाला पोर्शन हमें चाहिए था, उसको सिर्फ अपग्रेड करना है हमें। तो ये रख दो सिल्वर को, एंड ये चीज़ हमें बनाना पड़ेगा, अपग्रेड करना है डायमंड मैस। सो ये हमने अपडेट कर लिया और इसका फ़ायदा हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम वो 9 ब्लॉक का एक साथ बनाते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखो ग्रेबल्स हम एक साथ ये बना के और इसको एक साथ डाल सकते हैं और हमें सब चीज़ एक साथ मिल जाएगा, मतलब 9 के 9 एक साथ। तो ये वाला बहुत ही सही है, ग्राइंड नहीं करने पे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। सो या इसलिए मैंने अपग्रेड किया, एंड अभी हमारे पास आ चुका है सर्किट बोर्ड, एंड मे बी अब हम बना सकते हैं, बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा क्योंकि सर्किट बोर्ड के साथ और भी चीज़ें था, सो मैं वो भूल चुका हूँ क्या क्या था। तो अभी हम देख लेते एक बार। तो हमें चाहिए प्लैंक्स, स्टिक्स एंड स्टोन, मतलब हर जगह पे सीरियसली। तो अभी हम बनाते हैं स्टिक्स और प्लैंक्स हमारे पास है ही, और क्या चाहिए स्टोन, और ये आ गया ड्रिल। तो अभी ये ड्रिल तो भाई कतई सही दिख रहा है, और इसको मैं रखूँ किधर, वैसे तो मेरे को रखना पड़ेगा किसी अच्छी जगह पे। तो भाई लिटरली मैं नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ मतलब प्रोग्रेस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपना घर बनाऊँगा या पूरा ये सोर्सेज बनाऊँगा। और ये अपना कंप्लीट हो चुका है, नया भी एक बुक मिल चुका है, और भाई साहब ये सच में ड्रिल हो रहा है भाई, मेरे को लगा नहीं था ड्रिल होगा, बट या। सो अभी हम नेक्स्ट मिशन देख लेते क्या है, बट उससे पहले हाँ ये भी ओपन होता है, मेरे को लगा ही था ये भी ओपन होगा। और ये डेजी क्या कर रही है इधर, निकल जा नहीं तो वो होल कर देगा। ओके सो अभी नेक्स्ट वाला मतलब देख लेते क्या चीज़ है। तो अभी हमें बनाना पड़ेगा एक स्लो कन्वर्टर बेल्ट, और इसको ड्रिल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बट आज के लिए बहुत हो गया भाई, मैं और ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं कर सकता। तो आज का वाला वीडियो यहीं पर ही हम ख़त्म करते, होप आपको मज़ा आया होगा, एंड अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस साल तक हमें 50K करना ही करना है कैसे ना कैसे। सो या जल्द से जल्द कर देना, एंड अपना चैनल का मेंबरशिप भी बहुत दिन से कोई लिया नहीं है, तो जो भी ले सकते हो ले लेना, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कर ही रहे तो इंस्टा भी फॉलो कर लेना, हाँ मतलब करके रखा हूँ। सो या मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।